सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल इंडेक्सेस में अभी हम एक सेलिंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा हमें S&P 500 के विक्स में यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल जाता है। इसका ये मतलब है कि कल हमें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है और हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में भी यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर को देख पा रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट में हमें इंडियन रुपी में यहाँ पे एक डाउन साइड देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल हमें मार्केट में एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल सकता है और निफ्टी हमें फिर से 11,800 के लेवल्स की ओर मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इंडियन ADRs की ओर रुक करते हैं तो यहाँ पे हमें लगभग सारे के सारे स्टॉक में यहाँ पे एक डाउनसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और सबसे ज्यादा हम विप्रो और वेदांता के केस में एक सेलिंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। इसे देखते हुए कल आपको इन दो स्टॉक्स में एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, तो आप इन सब स्टॉक्स में अपना नजरिया बनाए रख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे चार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है, आज हमें स्टॉक में लगभग 4-5% तक एक रैली देखने को मिल जाता है। इसने आज अपने 52 वीक हाई फॉर्म करने के बाद उसके जस्ट नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके 50 डेज के EM लाइन में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देख सकते हैं और इसके दूसरे EM लेवल्स पे भी हमें एक बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे आज देखने को मिल जाता है। इसने आज अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड को फॉर्म किया हुआ है, जिस वजह से कल आपको इस स्टॉक में ये फर्दर अपसाइड जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इस स्टॉक का नाम भारतीय एयरटेल है। आज इसने अपना 52 वीक हाई फॉर्म करने के बाद 409 के लेवल पे आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके ऑर्डर बुक में हमें लगभग 11,265 स्टॉक्स बाय साइड में देखने को मिल जाते हैं और हम इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी सेलर साइड के मुकाबले बाय साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पा रहे हैं। इस वजह से कल आप इस स्टॉक को बाय साइड के लिए अपने वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है, इसमें हमें पिछले काफी दिनों से एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी इसने अपने 50 डेज के EMA लाइन के नीचे ही अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं और इसके दूसरे EMA लेवल्स पे भी हमें एक बियरिश ट्रेंड अभी देखने को मिल जाता है। इस वजह से कल भी आपको इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इस स्टॉक का नाम लार्सन एंड टुब्रो है और इसके ऑर्डर बुक में भी हम अभी सेलर साइड में 2700 से भी ज्यादा स्टॉक्स को देख पा रहे हैं, जिस वजह से कल आपको इस स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है और इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में हमें बाय साइड के मुकाबले सेलर साइड में काफी ज्यादा सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप कल इस स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टॉक है, इसमें फिर से आज हमें एक बाइंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने आज फिर से अपने 50 डेज के EMA लाइन के काफी ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर को देख सकते हैं और इसके व्यू अप लेवल्स पे भी हमें अभी भी एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल आपको इस स्टॉक में एक फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक का नाम अशोक लीलैंड है। इसने आज लगभग 3.5% के अपसाइड के साथ 82 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके ऑर्डर बुक में अभी भी 12,500 से ज्यादा स्टॉक्स को बाय साइड में देख पा रहे हैं और इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स पे हमें सेलर साइड के मुकाबले बाय साइड पे काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से कल आप इस स्टॉक को बाय साइड के लिए अपने वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो आखिरी स्टॉक है, इसमें भी आज हमें एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल जाता है। इसने भी आज अपने 50 डेज के EMA लाइन को ब्रीच करते हुए हाई लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग
बुलिश ट्रेंड को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, और यहाँ पे हमें इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर में एक बुलिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल भी आपको ये बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक का नाम REC लिमिटेड है और इसने आज लगभग 5% के अपसाइड के साथ अपने क्लोजिंग देने के बावजूद हम इसके ऑर्डर बुक में बायर साइड में लगभग 40,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स को देख पा रहे हैं। इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स पे हमें सेलर साइड के मुकाबले बायर साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और हम इसके कॉल साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को आज ऐड होता हुआ देख सकते हैं, जिस वजह से कल आपको स्टॉक में एक फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो आप कल स्टॉक को बाय साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आज फिर से हम गोल्ड प्राइसेस में लगभग 2100 पर 10 ग्राम का एक प्राइस फॉल को देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका मेन रीजन हम US और चाइना के बीच में चल रहे पार्शियल ट्रेड डील को मान सकते हैं। ये डील कभी भी साइन किया जा सकता है, इस वजह से हमें मार्केट में फर्दर गोल्ड के प्राइस में एक डिक्लाइन नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो दूसरा न्यूज है वो हम टाटा मोटर्स की ओर से जारी होता हुआ देख सकते हैं। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए लिथियम अर्बन के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर सकती है। इसके अलावा हम यहाँ पे टाटा मोटर्स से ही एक दूसरा एक न्यूज को देख पा रहे हैं। ये लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज को लगभग 500 इलेक्ट्रिक कार्स सप्लाई करने वाली है। इसके अलावा ये 400 टाइगर ईवी यूनिट्स इसी कंपनी को देने वाली है। तो आपको इस स्टॉक में अगले कुछ दिनों तक एक प्राइस मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और हमें टाटा मोटर्स के शेयर में एक स्लाइट अपसाइड देखने को मिल सकती है। ग्लोबल इंडेक्सेस में एक साइडवे ट्रेंड को देखने के बाद हम अगर निफ्टी के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं, तो आज हमें फिर से इसमें एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल जाता है। इसने आज अपने 9 डेज के ईएमए लाइन जो कि 11,881 का लेवल है उसके जस्ट ऊपर 11,894 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कल अगर ये अपना 9 डेज का ईएमए लाइन को सस्टेन करने में कामयाब नहीं रहता तो हमें इसमें एक फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। इसके आरएसआई लेवल में भी हम एक साइडवे ट्रेंड को देख पा रहे हैं, जिसमें कल हमें एक स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पे आप इसके पुट साइड में करंटली 11,800 के लेवल्स पे 2.38 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पाएंगे। इस लेवल पे हमें 18,20,925 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम इन द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यहाँ पे 11,900 के लेवल्स पे पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। तो कल के लिए अगर निफ्टी 11,900 के लेवल के ऊपर अपना ओपनिंग देता है तो हमारे लिए 11,900 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। उस सिनेरियो में हमारे लिए 11,800 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह वर्क कर सकता है, तो हम कल के लिए इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे हम 11,900 के स्ट्राइक से लेके 12,000 के लेवल्स तक यहाँ पे भारी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे हम 11,900 के स्ट्राइक पे लगभग 5.24 लाख 250 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। तो अभी के लिए 11,900 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकता है, और हम 12,000 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा 25,91,250 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख पा रहे हैं। तो हम 12,000 के स्ट्राइक को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पे हमें आज एक बेयरिश कैंडल देखने को मिल जाता है, लेकिन ये अभी भी अपने 9 डेज के ईएमए लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कल इसका 9 डेज का ईएमए लाइन इसके लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम निफ्टी की तरह ही इसके आरएसआई लेवल में एक साइडवे ट्रेंड को देख पा रहे हैं, जिसमें कल हमें एक मार्जिनल डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर आप इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पे आप इसके पुट साइड में 30,500 के स्ट्राइक पे अभी
71,920 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हमें 6.51 लाख 960 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए हम डाउन साइड पे 30,500 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो हमें 31,000 के लेवल्स पे 1.97 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे 4.41 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। तो ये लेवल कल के लिए हमारे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रीच करने में कामयाब रहता है तो उस सिनेरियो में 31,500 का लेवल हमारे लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि हम इस लेवल पे भी लगभग 2.04 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं और इस लेवल पे भी हमें लगभग 6.34 लाख 840 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए और चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने में उन्हें काफी आसानी हो सके और मार्केट के ट्रेंड को समझते हुए वो भी अपने इंट्राडे ट्रेड्स को काफी आसानी से एग्जीक्यूट कर सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।